हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? सुबह हो चुकी है, 10 बज गए हैं। मैंने कहा चलो मैं पूजा कर रही हूँ तो थोड़ा सा अपने दोस्तों के संग शेयर करूँ। मेरे ये जो ठाकुर जी हैं, ये देखिए, मैं आपको कैमरे की तरफ ले जा रही हूँ, मंदिर की तरफ ले जा रही हूँ। प्लीज़ दर्शन करिए। ये कृष्ण जी, लड्डू गोपाल, मेरा कान्हा, मेरा लाला, मेरा लड्डू, जो मन में आता है हम कहते हैं। अभी इसके श्रृंगार बचा हुआ है। ये मेरा पूरा मंदिर है छोटा सा, जो इनकी कृपा से ही मैं बना पाई हूँ। मैंने क्या बनाया है, इन्होंने खुद बनाया है। और बस मैं अभी पूजा करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने लोगों इनका भी स्नान कराया है। और ये देखिए, ये जल है, इसमें हम गंगा जल डाल के और अपनी भावनाएं हैं, मैं हल्का सा गुनगुना कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड भी गुनगुना कर लेते हैं, ये सोच के कि कान्हा बहुत छोटा है, इसको ठंड लग जाएगी। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप किस तरीके से ठाकुर जी को, अगर आपकी सेवा आप करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। और ये मेरे महाराज जी हैं, श्री आशुतोष महाराज जी, मेरे गुरुवर, सब कुछ मेरे यही हैं। और इधर मैं आपको ठाकुर महाराज जी के दर्शन कराती हूँ। ये मेरा मंदिर के पास बाहर ये इनका आसन है, यहाँ मेरे महाराज जी हैं। ये देखिए, कृष्ण जी, राधा जी, कितना सुंदर स्वरूप है। आपको मैंने दर्शन कराए हैं, आशा है कि आपको ये दर्शन अच्छे लगे होंगे। और बस अब मैं श्रृंगार करके आपको और आरती के समय के दर्शन भी कराऊंगी। देखिए गाइस, ठाकुर जी का श्रृंगार हो चुका है। ये देखिए, मैंने टीका लगा दिया है, उनको तुलसी जी समर्पित कर दी हैं। उसके बाद श्रृंगार करने के बाद ये जो इत्र है ना, कहते हैं ठाकुर जी को इत्र की सुगंध बहुत अच्छी लगती है। ये हम वृंदावन से लेकर आते हैं। और ये जो धूप बत्ती भी जल रही है, ये भी वृंदावन की है। उसके बाद आपको ये जो शीशा है, इससे हमने ठाकुर जी को श्रृंगार करने के बाद उनके स्वरूप के स्वतः ही उनको दर्शन कराए, जैसे हम लोग देखते हैं ना तैयार होने के बाद शीशे में, तो एक ये भावना। जब श्रृंगार हो गया और सब कुछ काम हो गया ठाकुर जी का, तो ये उनको हमने दुग्ध के भोग अर्पित किए, उनको दूध पिलाया। और बहुत अच्छी तरह से हम लोग इस तरीके से, मैं करवा चुकी हूँ लेकिन आपको बता रही हूँ, इस भावना के संग पिलाते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु से, है ना। ये दो, एक मेरी मम्मी जी के दिए हुए हैं, एक मेरे खरीदे हुए हैं। तो इस तरह से हमने दूध पिलाया, और फिर दूध पिलाने के बाद बच्चे को जिस तरीके से पीठ में इस तरीके से करके डकार दिलवाते हैं ना, तो वो भी मैं करती हूँ। उसके बाद एक कॉटन का रुमाल रखा है, उनसे उनके मुंह को पोंछ देते हैं जिससे उनको चिपचिपाहट ना लगे। ये सब भावना का खेल है, वो जो दुनिया को चलाने वाला है उसको हम क्या करें, लेकिन भावनाओं से जोड़ के अगर हम उसको रखेंगे, उसको अपना बनाएंगे, अगर हम ठाकुर जी से कोई रिश्ता बना लेंगे ना, तो मैं आपको बता रही हूँ सच में कोई भी काम आपका नहीं रुकेगा, बस रिश्ता बनाने। और मैं आपको ये भी बता दूँ, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब ट्यूशन वाले बच्चे आते हैं तो भी मैं उनको हर तरीके से आध्यात्म तरीके से भी जोड़ने की कोशिश कि ये गाइस दीपक प्रकट कर दिया है, ये धूप बत्ती जल रही है, ठाकुर जी का भोग लग गया है। ये हम लोगों ने कुछ बादाम लेके ठाकुर जी को समर्पित करते हैं, उनके भोग लगाते हैं, बादाम के भी भोग लगाते हैं, जो आपकी श्रद्धा है, ज़रूरी नहीं है, बस श्रद्धा के भूखा है हमारा कान्हा, तो हमारे ठाकुर जी, हमारे गुरु जी। चलिए अब मैं आरती करती हूँ, और इसी के संग जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्णा, जय बजरंग बली। आज मंगल भी है, ट्यूसडे है, मैं जो शाम को सुंदरकांड का पाठ भी करूँगी। आशा है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। बाय बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लीजिए मंदिर के दर्शन के संग ये ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ।